Hello friends, welcome to Knowledge Achievements. Today I am going to discuss UGC NET Shift to Question Paper 2021 of English Literature. I suppose this video will give you a better glimpse of how to prepare yourself for UGC NET exam and you can have the better idea about the important portion. So you can see here, this is the candidate response sheet and it's a provisional answer key. So yahan pe roll number likha tha, name of the candidate, examination name, you can see here UGC NET 2021 English Shift 2 and exam date and time. So you can see here paper 1 and paper 2 ka question ek saath mein rehta hai. सो यहाँ पे भी पेपर वन का क्वेश्चन पहले है और नेक्स्ट में इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है, बट टुडे आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चन. सो आई हैव टू स्क्रॉल एट फर्स्ट, गिव मी वन मिनट प्लीज. From here, English question has been started. So the first question, you have to see here question ID. The question ID is 10921. So एक बात मैं clear कर देता हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हो answer given लिखा है. तो ये आंसर गिवन उसी स्टूडेंट का है जिसका ये प्रोविजनल आंसर की जिसका है, तो ये गलत हो सकते हैं और राइट भी हो सकते हैं, बट मैंने जो राइट आंसर है ना उसको हाईलाइट कर दिया तो आपको बता दूंगी. शो द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 10921, ये क्रोनोलॉजिकली नहीं है एक्चुअली, इट्स ए प्रोविजनल आंसर की. So the first question, read the following passage and answer the question that follow. The passage is from Missile the Mountains of Solitude. Of Solitude, Missile the Mountains, ek essay ka naam hai. So who is Missile the Mountain? He is one of the most significant philosophers of French Renaissance who belongs to 16th century. So actually there is nothing to discuss here. यहाँ पे आपको पैसेज अच्छी तरीके से रीड करना है एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ओरिज ऑफ अवर लाइफ फॉलो आस इफ वी. सो देर आर फोर ऑप्शन हेयर, डिटैच अवर सेल्फ फ्रॉम फैमिली लाइफ, आर डीप इन टू बाइंग एंड सेलिंग, mentally absent from the hustle and bustle and are into schools of philosophy. So yahan pe combination option hoga. So the right option is B and D. So B kya hai? Are deep into buying and selling and D is are in schools of philosophy. So aapko achhi tarike se passage padhna hai. So question ID or the next question is 10919. यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ये सेम पैसेज है, मिशेल द माउंटेन्स ऑफ सॉलिट्यूड, सेम ही पैसेज है, आप देख सकते हैं एक ही सेम ही पैसेज है. क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द थीम ऑफ द पैसेज. तो राइट आंसर होगा, ट्राई व्हाट वन मे, no one can ever be at each. Okay, next question 10920, question ID hai. So the same passage hai, Missile the Mountains of Solitude. Yahan pe question kya hai, the mistake human beings make each do. So four options hai. So the right answer is abstain from restraining the mind. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 10922,
यहाँ पे लिखा है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिस इज ए पोएम बाय डब्ल्यू बी ईयट्स, ए प्रेयर फॉर ओल्ड एज। डब्ल्यू बी ईयट्स, द पोएम्स नेम इज ए प्रेयर फॉर ओल्ड एज। यू हैव टू रीड द पोएम एट फर्स्ट एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, थॉट्स ट्रू फॉर ऑल टाइम्स आर। ऑप्शंस, फोर ऑप्शंस है। द राइट आंसर इज फील डीप इनसाइड द सेल्फ। सो देयर इज नथिंग टू डिस्कस हियर। एक्चुअली यू हैव टू रीड एट फर्स्ट द पोएम एंड देन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आई डी 10923, द सेम पोएम ए प्रेयर फॉर ओल्ड एज, डब्ल्यू बी ईयट्स लिखा है। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट थिंक्स ऑफ। सो वॉट इज सेकेंड सेकेंड स्टैंजा? सो दैट्स द सेकेंड स्टैंजा। वी हैव टू रीड द सेकेंड स्टैंजा एंड देन द क्वेश्चन इज, इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट्स थिंक्स ऑफ। द राइट आंसर इज वॉट ही डज नॉट वॉन्ट टू अपियर। सो ये आंसर गलत है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। तो राइट आंसर यही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेम पोएम ए प्रेयर फॉर ओल्ड एज। तो डब्ल्यू बी एट्स का लिखा है, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स व्हाट वी इन्फर अबाउट द पोएट। सो फोर ऑप्शंस आर हेयर। द राइट आंसर इज ही इज ओल्ड बट हैप्पी इन नॉट बी वाइज। सो यू हैव टू रीड द पोएम्स और द पैसेज और एक्सट्रैक्ट टू और थ्री टाइम्स, देन यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस डॉम्बी एंड शॉ। सो क्वेश्चन क्या है, वॉट इज द सिस्टम ऑफ विच डॉम्बी एंड शॉन वेयर द सेंटर। सो यू हैव टू रीड एट फर्स्ट द एक्सट्रैक्ट देन यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन। सो देयर आर ऑप्शंस, द फोर ऑप्शंस आर हेयर। द करेक्ट आंसर इज द कंट्रीज कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द सेम एक्सट्रैक्ट है चार्ल्स डिकेंस का डॉम्बी एंड द सन। एंड द क्वेश्चन इज, द होल डिस्क्रिप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरकज्म। तो आप सरकज्म तो जानते ही है, किसी को मॉक करना और रिडिक्यूल करना ऐसे ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक द अबव पैसेज इज, यू हैव टू रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम शेक्सपियर से किंग लियर, फेमस ड्रामा। आप तो शेक्सपियर को जानते ही है। सो द क्वेश्चन क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स व्हाट शेक्सपियर मीन्स। द करेक्ट आंसर इज, एनिमल्स अनलाइक मैन आर मोर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द सेम एक्सट्रैक्ट है शेक्सपियर का किंग लियर। द क्वेश्चन इज मैन नो मोर देन दिस। ये है द फर्स्ट लाइन, मीन्स वॉट इज मीन्ट बाय इज मैन नो मोर देन दिस। सो देर आर फोर ऑप्शंस। द करेक्ट आंसर इज, मैन इज नॉट एज वेल इंडाउड एज सम अदर एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे आपको मैच करना होगा लिस्ट वन के साथ लिस्ट टू का। सो लिस्ट वन में पोएम्स का नाम दिया है और राइट साइड में पोएट का नाम दिया है। सो द रोड इज नॉट टेकन बाय, टेकन इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन इज रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। एंड आई थू सिंग अमेरिका इज रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। सो द करेक्ट आंसर होगा ये है, ए टू बी वन सी फोर डी थ्री। इफ यू फोकस ऑन द नेम्स ऑफ द पोएट्स,
So you can see that all are the poets of America. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी लिस्ट वन के साथ लिस्ट टू का मैच करना है. सो यहाँ पे ऑथर्स का नाम दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट का नाम दिया है. सो रॉबर्ट ब्राउनी राइट्स स्ट्रैफोर्ड, सैमुअल कोलरिज राइट्स रिमोर्स, ए डब्ल्यू पिनारो राइट्स द सेकेंड मिसेस टेंक्वेरी, एल्फ्रेड टेनिसन राइट्स क्वीन मैरी एंड विलियम वॉर्ड्सवर्थ द बॉर्डर आर्ट्स. सो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन होगा ए फोर वाला, ए फोर ए सॉरी ए फाइव बी थ्री सी टू डी वन ई फोर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज इन हिज रिकास्टिंग कैनन ऑफ इंग्लिश पोएट्री इन न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर डाउनग्रेडेड बाय एफ आर लेविश. सो द राइट ऑप्शन इज मिल्टन एंड सेली. सो यू हैव टू नो समथिंग दैट इज एफ आर लेविश अटैक्ड इंग्लिश लेट विक्टोरियन पोएट्री एंड गिव्स इंपॉर्टेंस टू द वर्क ऑफ T.H. Eliot, Ezra Pound, Hopkins as the emphasizing wit and the play of intellect rather than late romantic Victorian sensuousness. So, F.R. Leavis romantic sensuousness ko diminish karta hai. To Shelley ek romantic poet se and Milton too possesses some romantic sensuousness. So, the right option is Milton and Shelley. So, yahan pe आप और एक भी क्वेश्चन आप यहाँ पे हो सकते हैं. द न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री इज रिटन बाय हुम? द आंसर विल बी एफ आर लेविश एंड दैट इज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1932. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange in the right sequence the following stages of child's first language acquisition. So there are four options. At first baby queen karte hai, queen jo hota hai 0 to 6 months and then baby babbling karta hai, wo hote hai 0 to 8 months and then comes holophrastic stage 9 to 18 months. एंड होलोफास्टिक स्टेज के बाद एक स्टेज है दैट इज टू वर्ड स्टेज. आप नोट डाउन कर सकते हैं टू वर्ड स्टेज जो होता है 18 to 24 months. देन आते हैं टेलीग्राफिक स्पीच व्हिच जो होते हैं 24 to 30 months. तो लेटर उसके बाद आते हैं लेटर मल्टी वर्ड स्टेज जो 30+ months में होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट सिक्वेंस होगा, एट फर्स्ट आएगा क्वीन, देन आएगा बैबलिंग, देन होलोफ्रास्टिक स्टेज एंड देन टेलीग्राफिक स्पीच. सो द राइट ऑप्शन होगा DBAC. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these countries does Montaigne's essay of cannibals focus primarily? So the right option is the Brazil. So actually you have to read the essay first of cannibals. You can read the essay and before you can have the essay written by Montaigne of Solitude जहाँ से क्वेश्चन आ चुकी है. तो यहाँ पे माउंटेन्स एशे ऑफ कैनिबल्स फोकस प्राइमरीली ऑन ब्राजील, ये सही आंसर होगा. आप यू कैन रीड द एशे ऑफ कैनिबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज उर्वशी बुटालियास द अदर साइड ऑफ साइलेंस प्राइमरीली सीक टू डू? So you have to know at first who is Urvashi Bhutalia. So Urvashi Bhutalia is Indian feminist writer, publisher and activist. And Bhutalia and Ritu Menon
her co-writer were jointly awarded Padmasri. So her famous book is Other Side of Silence. So the question is, which of the following does Urvashi Butalia's The Other Side of Silence primarily seek to do? So the right, yahan pe four options diya hai. So combination answer hoga, the right answer hoga A and B. To understand the partition as something more than a political divide, to foreground a personal history of the partition. So there is nothing to discuss here. You have to read The Other Side of Silence. Next question. In which book Paradise Lost does Milton refer to Agra and Lahore of Great Mughal? The right option is Book 11. So Paradise Lost is an epic poem which is written in blank verse by John Milton, 17th century English poet, and the poem is divided into 12 books. The next question, the MLA seat, a compilation of scholarly conventions and directives, was first published in 1951. Informative question hai. Next question, who among the following is associated with a philosophy of praxis? The right option is Antonio Gramsci. So philosophy of praxis is a theory which examines the work of four Marxist thinkers: Marx, Lukács, the Frankfurt School of philosophers like Adorno and Marcuse. So you can note down the name. This type of question can come in the exam. So you please note down Marx, Lukács, Adorno and Marcuse. Want to know about Antonio Gramsci? He is Italian Marxist philosopher. Next question. Words with same pronunciation and different meanings are? The right option is homophones. So you can be confused regarding the two concepts, that is homonym and homophones. So main usko difference batati hoon. So homonyms are two or more words having the same spelling and same spelling or pronunciation but different meanings and origin. Or homophones kya hai? Homophone has same pronunciation of two or more words but different meanings. Samjha kuch? Samjha nahi. Okay, main aur deeply samjhata hoon. So you have an idea of another concept, that is homographs. So homophones sounds the same. Homophones sound the same. Homophone mein pronunciation same hota hai but different meanings. And homographs mein kya hote hai? Spelling same hote hai but meaning different hote hai. And homonyms mein kya hote hai? Homonyms mein both homophones and homograph dono bhi aa sakta hai. So yaha pe same spelling or pronunciation hoga but difference meaning hoga. Actually agar homonyms right answer hota to yaha pe same pronunciation and same spelling bhi rehta hai question mein, but yaha pe only pronunciation diya hai, spelling to nahi diya. To only pronunciation kya sahi hoga? Homophones. I think you have got it. और अगर कोई confusion है तो आप लोग comment कर सकते हैं. Who is the author of the otherness of English, India's anti-tongue syndrome? So the right option is Probal Dasgupta. Probal Dasgupta is an Indian author, Indian writer. Next question: arrange the following poems by W.B. Yeats in the chronological order of publication. So first में रहेगा Adam's Card, second The Wild Swans at Cold, third The Second Coming and fourth Among the School Children. So the right option is D, A, B, C. Next question, who among the following has coined the term eco-feminism?
The right answer is Francois de Yvon. तो अब फेमिनिज्म के बारे में तो सुना ही है, बट यू आर नाउ थिंकिंग व्हाट इज इको फेमिनिज्म. सो इको फेमिनिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म दैट सीज द एनवायरमेंटलिज्म. सो देर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन वीमेन एंड अर्थ. वीमेन एंड अर्थ का एक डीप कनेक्शन है. सो इन विच मैनर द पैट्रियार्की exploits or subdues a women in the same manner he exploits the environment. So there is a term is invented that is ecofeminism. And who has coined the term? The answer, the right answer will be Francois de Yvon. Next question. Which two of the following essays four part of Mikhail Vukhtin's The Dialogic Imagination four essays? So the Dialogic Imagination four essays written by Mikhail Vukhtin. So who is Mikhail Vukhtin? So Mikhail Vukhtin is Russian philosopher and literary theorist. So the Dialogic Imagination four essays. So what are the four essays? Two names are already here, but you can write down the other two essays. The first I am saying Epic and Novel 1941. Ye option yahan pe nahi hai. The second is From Prehistory of Novelistic Discourse, but yahan pe only from the his history hai. But the right is the from the Prehistory of Novelistic Discourse. The third is The Forms of Time and the Chronotope in the Novel. It is here. And the fourth is Discourse in the Novel. That is 1934. So the correct options kya hoga? B and D. Okay. Next question. Which of the following terms describes a novel of fashionable life in the 19th century English literature? So 19th century literature is the age of Victorian age. So the right answer is silver fork. The next question, which two of the following poems by Judith Wright? So Judith Wright is Australian poet, environmentalist, campaigner for Aboriginal land rights. So her poems are here. The correct options hoga Women to Man, The Old Prison. So combination answer ये सही होगा. Next question में चलते हैं. यहाँ पे match करना होगा list one के साथ list two. So यहाँ पे left side में books का नाम दे दिया और right sides में poets का नाम दे दिया. तो Anniversaries is written by John Donne. The Temple is written by George Herbert. The Rehearsal Transposed is written by Andrew Marvell. And Pindori Courts is written by Abraham Cowley. So the right option is option 2. यहाँ पे भी match करना होगा. Left side में writers का नाम दिया है और right side में books का नाम दिया है. Humi Bhabha writes The Location of Culture. T.S. Eliot writes Notes Towards Definition of Culture. Rolla Bathes writes Image, Music, Text. John Fiske reading the popular. There is nothing to discuss here. The right option is option 2. यहाँ पे भी match करना होगा. Left side में books का नाम दिया है, right side में authors का नाम दिया है. So English August is written by whom? Upamanyu Chatterjee. In Custody is written by Anita Desai. In Such a Long Journey is written by Rohinton Mistry. And the D, The Funny Boy is written by Swayam Salvadurai. So what will be the right option? Option D. So these are the poets, these are the authors of Indian English literature. So you have to read the English, Indian English literature thoroughly. Next question.
With which of the following movements is Charles Baudelaire says flowers or people generally associated? So who is Charles Baudelaire? So Charles Baudelaire is French poet, essayist and art critic. Flowers and Flowers of the Evil is a French poetry which is written in 1840 and published in 1867. So here the symbolist and the modernist movements are included here. So the right option are the symbol, the right option hoga the symbolist and modernist. So yahan pe options C correct hai. Next question. Which of the following narrative cycles is referred to in Michel Foucault's What is an Author? So आप यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं. ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ पे. What is an author is written by whom? That is written by Michel Foucault. So यहाँ पे राइट आंसर होगा द थाउजेंड एंड वन नाइट्स. द थाउजेंड एंड वन नाइट्स इज ए कलेक्शन ऑफ मिडिल ईस्टर्न फोक टेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange the following journal in the chronological order of publication. So first hoga the Blackwood's magazine, second Bentley's Miscellany, third Cornhill magazine and fourth Longman's magazine. So there is nothing to discuss. Who wrote the short story The Voter? So Voter was published in 1965, which is written by Sinuwa Achebe. So who is Sinuwa Achebe? Sinuwa Achebe was a Nigerian novelist, poet and critic who is regarded as the dominant figure of modern African literature. Next question. Who wrote the essay My First Acquaintance with Poets? So the right answer is William Hazlitt. Which two of the following are earliest colonial publishing initiatives that apply to India? That is B and C. Just information, just about information. There is nothing to discuss. Moore Colonial Home Library Series and Colonial Library Series by Macmillan. Next question. Which of the following books are Noam Chomsky? So who is Noam Chomsky? Noam Chomsky is an American linguist, philosopher, cognitive scientist, social critic, and he is also a major figure in analytical philosophy. His two famous books are Syntactic Structures and Aspects of Theory of Syntax. So the right options is D and A only. Next question. Arrange the following groups of poets in their chronological sequence in relation to the English literary history. So at first hoga ye one, then aayega two lake poets, then aayega the imagist poets and then movement poets. सो इमेजिस्ट पोइट्स में इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगी. तो अभी ये जानकारी जानना जरूरी है. हु आर इमेजिस्ट पोइट्स? इज़रा पाउंड, एच डी मीन्स हिल्डा डूलिटल, जॉयस, जॉयस मीन्स जेम्स जॉयस एटसेट्रा. द कैवलियर पोइट्स रॉबर्ट हेरिक, लवलेस एटसेट्रा. द मूवमेंट पोइट्स आर लार्किन, किंग्सले एमिस, लेक पोइट्स वर्ड्सवर्थ, कोल मीन्स कोल्ड रिच साउथ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ये ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेट ऑफ इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स टेकन बाय सिंगल वर्ड इज लेक्सिम, इज कॉल्ड लेक्सिम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फेलासियस इवेल्युएशन ऑफ द पोएट्री अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नल्ड स्टडी ऑफ पोएट्री. So you have to read the study of poetry here.
So the right option is personal estimate and historic estimate. Next question. Which of this is identified by Ariel Dorfman and Armand Matelot as having been deployed in Walt Disney comic books to propagate imperialist ideology? The right option is infantilization. So what is imperialist ideology? So imperialist ideology is a certain kind of ideology of extending rule over peoples, or it can be over other countries too. So the right answer is infantilization. So what is infantilization? So infant means, to aap jante hi hai, infant means baby. So what is infantilization? मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ. सो मोस्ट ऑफ द फैमिली में क्या होता है, तो आप एडल्ट हो गए हो कुछ ही बात और डिसीशन देने के लिए, बट आपको घर वालों बोलते हैं आप ये डिसीशन से दूरी रहो, आप ये मैटर में नहीं आओ, आप बहुत छोटा है, ये मैटर से दूरी रहो. सो दैट्स कॉल्ड इन्फेंटिलाइजेशन. ओके, so next question, which of the following statements are true of English as used in India? So option A and D. So I have said earlier that is the provisional answer key. तो यहाँ पे भी question right, कुछ question गलत हो सकते हैं, but अगर गलत होगा तो आपका marks भी अपग्रेड हो जाएगा. ज्वेली कोई चैलेंज कर दिया तो आपका मार्क्स भी अपग्रेड हो जाएगा. सो ए इज इंडिया इज काउंटेड अमंग द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड एंड इंग्लिश इज द कंट्रीज प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स. क्वेश्चन आईडी 10950. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्क्स बाय आई ए रिचर्ड? So who is I.A. Richards? I.A. Richards is English educator, literary critic and rhetorician. So his two works are here, Science and Poetry and the Philosophy of Rhetoric. So the correct option is B and C only. Next question. Arrange the following characters in the chronological order in which they appeared in Indian literature. So first mein aayega Shakuni from Mahabharata, then Godanse's cover, then the room on the roof, Rashti, and fourth the Pranesh Acharya and the Samskara. Next question, which among the following are examples of Kanzler Roman? So Kanzler Roman is a German term. It means artist novel. It's a class of Bildungsroman. You can hear the name. In Bildungsroman, the protagonist develops morally and psychologically. It is a novel of education and formation and ends on a positive note. But Kanzler Roman ends on a note of arrogant rejection of the common life. So here right option hoga the David Copperfield and a portrait of the artist of a young man, which is written by James Joyce, and David Copperfield is written by Charles Dickens. You can read the both novels. Next question, given below the two statements and one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. So I am reading. The implied reader shifts attention from the real reading individual to a disembodied dimension of reception intricately interwoven into the text. And the reason is the dear reader invoked in the realist novels is a fictional representation of a distant reader. So question kya hai? In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the option below. Right option is A is correct and R is not correct. So you can see here, ऐसा question भी exam में आ सकते हैं. Assertion है, यहाँ पे reason है. So हम लोगों को देखना होगा assertion correct
है क्या नहीं और रीजन करेक्ट है क्या नहीं, और ये इसका रीजन है क्या नहीं। सो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। आप लोगों को दोनों ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्डिनांड डी सोश्यूर लैंग्वेज इज, सो अकॉर्डिंग टू फर्डिनांड सोश्यूर लैंग्वेज क्या है? एन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर एंड ए सिस्टम ऑफ साइंस। ठीक है, हु रोट ए पोस्ट मॉडर्न रिवर्किंग ऑफ चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल टाइटल। राइट आंसर इज कैथी एकर। सो आई एम सेइंग समथिंग अबाउट कैथी एकर। कैथी एकर इज अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल नोवलिस्ट, प्ले राइट, एसेस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर हु इज नोन फॉर आर इडियोसिंक्रेटिक एंड ट्रांसग्रेसिव राइटिंग दैट डेल्ट विद द थीम लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा, सेक्सुअलिटी एंड रिबिलियन। ओके, in this video I only have covered 50 questions and the new part will be coming soon. In this channel we are providing the question papers of NET, SET, entrance and other competitive exams. I will provide the whole response sheet in the Telegram channel after coming the second part, and this is my first video and I will be providing video regarding other interesting topics and you can suggest us about that. If you like my video, please subscribe our channel and press the bell button. And if you have any questions or any doubts, you can comment on the chat box. Sure, thank you.